कोरोना गया नहीं और उजड़ गया 10 लाख का कोविड सेंटर। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए एक तरफ प्रदेश सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, ज्यादा से ज्यादा कोविड सेंटर बनाए गए हैं, लोगों को बचाव के लिए लगातार जागरूक किया जा रहा है, लेकिन तिलदा नेवरा नगर पालिका प्रशासन इसको लेकर कितना लापरवाह है इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सका है कि 10 लाख रुपए की लागत से तैयार किया गया कोविड केयर सेंटर एक साल के भीतर ही उजड़ गया। इतना ही नहीं, इस पर असामाजिक तत्वों ने भी कब्जा कर लिया है। अब यहाँ जुआड़ियों और शराबियों ने डेरा जमा लिया है। वर्ष 2020-21 में जब कोरोना संक्रमण प्रारंभ हुआ था, तब प्रदेश सरकार ने केवल शहरों में ही नहीं बल्कि गाँव में कोविड सेंटर बनाए थे। स्कूलों को आइसोलेशन सेंटर में तब्दील कर दिया गया था। सरकार की अपील पर सीमेंट और इस्पात संयंत्रों ने CSR मद से लाखों रुपए का सहयोग किया। जिले की मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मीरा बघेल के दिशा निर्देश पर तिलदा नेवरा के हाई स्कूल मैदान स्थित नगर भवन को कोविड सेंटर बनाया गया था। इसके लिए बैकुंड स्थित अल्ट्राटेक सीमेंट संयंत्र ने 10 लाख रुपए का सहयोग किया था। इस राशि से नगर भवन को स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन के अनुसार पूरी तरह कोविड केयर सेंटर में तब्दील कर दिया गया था। पहली और दूसरी लहर के दौरान यहां सैकड़ों मरीजों को रखा गया था। नगर भवन स्थित कोविड केयर सेंटर की देखरेख की जिम्मेदारी नगर पालिका प्रशासन को सौंपी गई थी। यहां की निगरानी के लिए एक चौकीदार भी नियुक्त किया गया था, लेकिन जब दूसरी लहर खत्म हुई तब नगर पालिका प्रशासन इतना लापरवाह हो गया कि उसकी देखरेख ही भूल गया, चौकीदार को हटा दिया गया। इसके बाद असामाजिक तत्वों ने धावा बोल दिया और एक एक कर केबिन का लगभग सारा सामान गायब कर दिया। केबिन के दरवाजे, खिड़कियां और वहां लगे लाइट के बटन तक चोर उखाड़ कर ले गए। अब हालात ये है कि कोविड सेंटर पूरी तरह से उजड़ गया है और असामाजिक तत्वों ने डेरा जमा लिया है। यहां रोज शाम को जुआ का फड़ लगता है, जुआरियों और शराबियों का जमावड़ा रहता है। इस कोविड केयर सेंटर को लेकर नगर पालिका प्रशासन तो लापरवाह था ही, स्वास्थ्य विभाग का भी उदासीन रवैया रहा। दूसरी लहर के बाद कभी शुद्ध लेना स्वास्थ्य विभाग ने मुनासिब नहीं समझा। जब तीसरी लहर ने दस्तक दी और उच्चाधिकारियों का दबाव बनाए, तब स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने इसकी सुध ली। जब सुध ली तब तक देर हो चुकी थी। एक आधुनिक रूप से सुसज्जित और सुविधायुक्त कोविड केयर सेंटर कबाड़ खाने में तब्दील हो चुका था। इससे पहले जैसे कोविड केयर सेंटर बनाने में अब फिर से लाखों रुपए खर्च करने पड़ेंगे।